राम राम सभी प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के 20 प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 91वां आने वाला है और यह उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है। तो आप इसे पूरे लास्ट वीडियो को देखें और स्क्रीनशॉट लेते रहें, जैसे आपको आगे रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने पंचायती राज व्यवस्था जो कि 65 मार्क्स का सिलेबस है, पूरी वीडियो विस्तृत रूप से बनाई है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानों के पदों के आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर है, किस धारा में है? धारा 11 क में, धारा 12 ख में, धारा 14 में या धारा 15 में? धारा 11A, धारा 12B, धारा 14 या धारा 15 में? तो आपको बताना है कि प्रधानों के पदों को जो आरक्षण की बातें कही गई हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम वाला पिछला वीडियो भी देखा होगा तो उसमें आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें महिलाओं की आरक्षण 1/3 की, ओबीसी आरक्षण की 27% की बातें कही गई थी और बताई गई थी और उनके धारा भी बताए गए थे। तो आप आसानी से बता पाते हैं कि कौन से धारा में प्रधानों के पदों के आरक्षण की बात होती है या प्रावधान है। तो आपको बता दूं, जो प्रधानों के पदों के आरक्षण का प्रावधान है वह धारा 11 कम है। जैसा हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के एमसीक्यू करते हुए देखते हैं कि हम क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद बेयर एक्ट को खोलते हैं और उनमें विस्तृत रूप से उस पर बात करते हैं। तो हम धारा 11 क पे अब बात करेंगे। तो हमारे सामने धारा 11 क है, ये सेक्शन 11 क है जो कि ग्राम पंचायत के प्रधान से संबंधित है। इसी में आरक्षण की बात की गई है। किसमें की गई है? इसी में आरक्षण की बात की गई है। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधानों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी, ऐसा बात 11 क में कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो 11 क में कहा गया है। और यह भी बताया गया है जो आधार होगा वह जनसंख्या होगा और पिछड़े वर्गों के लिए 27%। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको यह सब पता होगा, 11 क में प्रधानों के आरक्षण की बात कही गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 क क्लियर हो गया हमारा, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बहुत ही कंफ्यूजन टाइप का प्रश्न है। इनमें से अगर आपको या जिसने कभी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को नहीं पढ़ा है उसके सामने अब प्रश्न लाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह 100% इस प्रश्न को गलत करेगा। एक बार आप पढ़िए इस प्रश्न को, देखिए आप कितना गलत करते हैं इसे। इसमें कहा गया है सर्वाधिक सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कहा गया है जितने भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं सबको सही बता दीजिए। प्रधान निर्वाचित किया जाएगा, इनमें से 4 ऑप्शनों में से हमें देखना है, निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपनों में से, या ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, या ग्राम सभा के निवासियों द्वारा। तो आपको अगर ये ऑप्शन दिख रहे होंगे तो मेरे हिसाब से, जो कि मैं भी जब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे इन चारों के चारों ऑप्शनों में कोई गलत नहीं लग रहा था, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें से एक ही सही है। तो चलिए चलते हैं बेयर एक्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं धारा 12 ख को, जिसमें यह बताया गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। ग्राम 11 ख में साफ साफ बातें कही गई है, इसको देखिएगा आप। ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से
निर्वाचित किया जाएगा, तो आपने कौन सा ऑप्शन देखा वहां पर जिनमें यह सब बातें लिखी गई थी कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपनों में से निर्वाचित किया जाएगा, तो आपने देखा होगा यह बात बी ऑप्शन में दी गई थी, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपनों में से, यह बात बी ऑप्शन में कहा गया है जो कि बिल्कुल सही है, बाकी के ए सी डी गलत है। तो आपको जो अपना मन कहे वह सही नहीं होता, जो किताबें कहेंगी, जो अधिनियम कहेंगे, जो लॉ कहेगा वही सही होगा। तो 32 का आंसर हमने देखा बी सही होगा। और यह बात कहाँ की थी, तो आप कहेंगे यह बात सेक्शन 11 के बी में या ख में बताई गई है। कहाँ बताई गई है, सेक्शन 11 बी में बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो प्रधान के आरक्षण का जो बात थी वो कहाँ कही गई थी, तो आपने कहा 11 क या 11 ए में कही गई थी, लेकिन प्रधान के निर्वाचन का जो प्रावधान है वह धारा 11 ख में कही गई है। कहाँ कही गई है, धारा 11 ख या सेक्शन 11 बी में कही गई है। चलिए देखते हैं बेयर एक्ट को, और धारा ख को खोल दिया प्रधानों का निर्वाचन, तो इसी में यह बात की गई है कि प्रधानों का निर्वाचन किस हिसाब से होगा। इस पर अगला प्रश्न आएगा तो हम उस प्रश्न के जरिए इन क्लॉजों को और तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, कलेक्टर एवं चुनाव आयोग मिलकर, या राज्य सरकार। तो जो हमारा यह पंचायतों में चुनाव होता है यह कराता कौन है, तो एक राज्य चुनाव आयोग होता है जिसका मुख्यालय हमारे लखनऊ में है उत्तर प्रदेश के लिए, तो वही पंचायतों का चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए बेयर एक्ट को देखते हैं, बात कहाँ कही गई है कि चुनाव जो होता है कि वह राज्य चुनाव आयोग कराता है, इसको हम देखते हैं। अब तो हम खोलेंगे अपना सेक्शन 12 को जिसमें यह बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले के ग्राम पंचायतों के प्रधान सदस्यों के सभी निर्वाचनों का संचालन और पर्यवेक्षण करेगा। कौन करेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में यह चुनाव कराया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, ऐसी बातें कही गई है 12 ख ग में। तो यह सेक्शन 12 ख ग का मामला है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, धारा 11 ख के अधीन नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल कितना होता है। और आपने देखा होगा धारा ख में एक बात कही गई थी कि अगर चुनाव नहीं होता है, अगर प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है किसी कारणवश, या प्रधान का चुनाव नहीं होता, उसमें दो स्थिति है, प्रधान का चुनाव ना हो ना हो पाना, दूसरा है अगर 2/3 सदस्य भी नहीं बन पाए हैं उस गांव के अंदर, तो 11 ख के अधीन प्रशासक नियुक्त किया जाता है गांव में। तो कितने दिनों के लिए नियुक्त किया जाएगा, 6 माह से अनधिक के लिए वह नियुक्त नहीं किया जाता है। चलिए मैं आपको बेयर एक्ट में पूरा पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से इसे दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं बेयर एक्ट में, खोलेंगे 11 ख को और बात करेंगे इस पर। हमारे सामने 11 ख आ चुका है, 11 ख का जो सब क्लास 2 है इसको हमें पढ़ना है, और ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सुनना है या मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ, यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा
या तो प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसा वह उचित समझे अर्हत व्यक्ति होंगे या प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो 11 ख के सब क्लास 2 में बात कही गई है कि वह प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा जो प्रशासक होगा वह 6 माह से अनधिक टाइम के लिए अवधि के लिए नहीं होगा। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 6 माह से अनधिक के लिए नहीं होगा, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने धारा 11 ख के सब क्लास 2, जिसकी अभी हमने बात की थी 2/3 और प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है, तो उसके अंतर्गत प्रशासक कब नियुक्त किया जाता है। तो यह बात हमने पहले ही कर दी, वो 6 माह से अनधिक वाली जब बातें कर रहे थे तो इस प्रश्न का जवाब हमने विस्तृत रूप से उस प्रश्न में ही दे दिया था। फिर भी अगर आपके सामने यह प्रश्न आया है तो एक बार हमारा रिवाइज ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है तो प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं फिर भी प्रशासक नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। ऐसा इसमें बात 11 ख के सब क्लास 2 में बात कही गई है। एक इसको देखिए, दो इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। प्रधान प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और संख्या 2/3 से कम सदस्य का होता है तो प्रशासक नियुक्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है। अब बात आती है कि जो प्रशासक है इसकी नियुक्ति कौन करता है। कलेक्टर करता है, राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी करता है, या डी ऑप्शन जो बी या सी द्वारा, कौन सा सही है। तो चलिए इसे हम देखते हैं अपने डायरेक्ट में और आपको भी वहां आसानी से समझ में आएगा। तो जो प्रशासक है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकारी कोई अधिकारी जो है वह प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। तो जैसा ऑप्शन में है हमारे सामने राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा बी और सी दोनों द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। बी और सी दोनों द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रधान का पद रिक्त होने पर निर्वाचन आवश्यक है 3 माह, 6 माह, 6 माह से अधिक या 12 माह से अधिक। तो 6 माह के अंदर ही प्रधान का पद रिक्त होने पर चुनाव कराना, निर्वाचन कराना आवश्यक होता है। अगर राज्य सरकार चाहती है, प्रशासन नियुक्त करती है, किसी प्रकार से वो करना चाहती है, इसे एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन 6 महीने में फिर एक बार उसका रिवाइज किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने ग्राम पंचायत के प्रधानों और सदस्यों का निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होगा। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होगा राज्य निर्वाचन आयोग में, कलेक्टर में, राज्य सरकार में या उपयुक्त सभी में। तो जो यह ग्राम पंचायत के प्रधान का सदस्य का निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग में ही निहित होगा। चलिए आपको सेक्शन 12 दिखाता हूं जिसमें यह बात कही गई है। तो हम सेक्शन 12 की तरफ चल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 12 के पास। सेक्शन 12 आ चुका है हमारे सामने और इसमें यह बात कही गई है। क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य का निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निदेशन। तो संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, यह बात सेक्शन 12 के बी बी या ख ख में कही गई है। कहाँ कही गई है, सेक्शन 12 के ख ख या बी बी में कही गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा राज्य निर्वाचन आयोग ही होगा।
तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, इसका हम लिख देते हैं सेक्शन 12, सेक्शन 12 का बीबी। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन राज्यों में कौन प्रधान एवं सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन कर संचालन का पर्यवेक्षण करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत, कलेक्टर, ए और बी संयुक्तता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब है, पर्यवेक्षण कौन करता है, चलिए चलते हैं अपने सब बेयर एक्ट की तरफ। बेयर एक्ट में देखते हैं पर्यवेक्षण की बात कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करता है। तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वही इसका कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ अपने, और कलेक्टर जो होता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ए और बी संयुक्तता या जो पर्यवेक्षण का कार्य है करते हैं। कौन कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अगर जिला मजिस्ट्रेट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपॉइंट कर देता है तो यह दोनों लोग अपने जरिए अपने तरीके से मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर कुछ पूछना या बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। यह जो अभी आपने लास्ट प्रश्न देखा, यह 12 के ख ग में बात कही गई है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।